गाइस अभी सुबह के 10 बज रहे, मेरा गला बहुत खराब है क्योंकि हम आजकल रावण बना रहे हैं। या सही बना रावण रहे हैं हम, पर हम नारे तो भगवान राम के ही लगेंगे। फ्रेंड्स ये जगह डिसाइड हुई है, ये वाली जगह डिसाइड हुई है रावण लगाने की। बहुत अब बच्चे यहाँ पे अभी मज़े कर रहे हैं, तो फाइनली ये दिन आ गया कि इनकी मेहनत सफल होगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी बाद में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारी गली में बहुत रौनक है, वहाँ पे रास्ता रोक चुके हैं ये लोग, ये रास्ता रोक चुका है, यहाँ से इधर से भी रास्ता रोक चुका है। ये हमने रोड पूरी ब्लॉक कर दी है और अब बस इंतज़ार है उस पल का कि जब हम बुराई का अंत करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा रावण बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये बच्चों की मेहनत है ये, और ये मेहनत रंग लाई है। पूरे 15-20 दिन से बच्चे इसी के ऊपर वर्कआउट कर रहे थे और ये बन के बहुत अच्छा लगा, देखिए। और आज हमारी गली में भी बहुत रौनक है, बच्चे यहाँ सारा रास्ता बंद कर रखा है, कोई आना अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं और मम्मी भी आके नीचे बैठ गए हैं रावण दहन को फुल एंजॉय करने के लिए। पहले हम लोग बाहर जाते थे, अलग अलग जगहों पे देखने जाते थे, पर पहली बार हमने आज घर पे अपने घर के बाहर बच्चों के हाथ के बने हुए रावण का दहन करेंगे। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे हम सब यहाँ पर रावण दहन के लिए, और गली में सब आगे पीछे के लोग आगे पीछे सब बैठे हुए अपने घरों के बाहर इस इंतज़ार में कि रावण दहन कब होगा। तो मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ, ये देखिए कितने क्रैकर्स बच्चों ने लगाए हैं, ये एक एक डंडी बच्चों ने खुद मेहनत से लगाई है। अब बस सब वेट ही कर रहे हैं कि कब रावण को हम जलाएंगे, रावण बुराई का अंत करेंगे। पर बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए कि हम रावण दहन जल्दी करें, उनको अभी और मस्ती करनी थी, उनको और पटाखे जलाने थे। आप देख सकते हैं सब लोग अपने घरों के बाहर आए हुए हैं। ये सब पहले कहते थे कि हम लोग सब बाहर दूर दूर जगह दशहरा ग्राउंड सब जगह जाते थे, पर इस बार इन छोटे बच्चों की वजह से सब लोग अपने घरों के बाहर से आराम से अपने घर के बाहर बैठ के रावण दहन का मज़ा लिया है। यहाँ सब बच्चे सब पटाखे वटाखे जला रहे हैं, खूब मज़े खूब मस्ती। ऐसा इन्जॉयमेंट इन बच्चों ने अपनी लाइफ में नहीं करा, हर तरफ शोर और खुशी का माहौल है। ये हमें बोला गया था कि रावण, अगर आप पहली बार रावण दहन कर रहे हैं तो आप रावण की थोड़ी सी पूजा कर लेना। तो हम यहाँ पे दिया जला रहे हैं और हमने सब बच्चों को बोला कि आप आइए, जिन जिन बच्चों ने रावण बनाया था वो सब बच्चे अपने हाथों से रावण के आगे दिया लगाएं, और सब बच्चों ने हाथ लगाया और हमने दिया साइड में रख दिया, प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद फिर हमने रावण दहन किया। हमें किसी ने बोला था कि ऐसे करा जाता है, और जो बच्चे पहले जला रहे थे DMS हमारे यहाँ पे कॉलोनी है वहाँ पर, उन्होंने बताया कि आंटी आप ऐसे करना, तो ये करना सही रहता है, अच्छा रहता है। तो फिर अब हमने ऐसे करा, तो उसके बाद रावण दहन होगा। तो फ्रेंड्स अब फाइनली रावण जलने लगा है यहाँ पर। अभी भी फट रहे हैं।
इस त्यौहार से हमको यही सीख मिलती है कि हमको रावण नहीं राम बनना है, अपने बच्चों को राम जैसा बनाना है, श्री राम जैसा बनाना है, उनके जैसे संस्कार डालने हैं, उनके जैसे आदतें डालनी हैं, क्योंकि बुराई का हमेशा अंत ही होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर हम में से कुछ लोग भी श्री राम के पथचंडों पर चल पड़े तो ये जो देश है वो जीने लायक बन जाएगा। झूठ कहीं भी दिख रहा हो उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि सच्चाई में बहुत बल होता है, आज नहीं तो कल। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जय श्री राम।